पुलिस सहायता कक्ष भोटा के तहत झिराड़ी में एक ट्रक ने चार लोगों को रौंद डाला। इनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा करीब 7 बजे बताया जा रहा है। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया है। घायलों की चीख पुकार सुनकर लोग एकत्रित हुए। घायलों को भोटा अस्पताल पहुँचाया गया, यहाँ इनका उपचार चल रहा है। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कलमबंद किए हैं। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक व घायल सभी प्रवासी थे और सुबह के समय वे सेटरिंग खोलने जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। बिलासपुर के उप तहसील नमहोल में स्वच्छता को ठेंगा दिखाया जा रहा है और नमहोल में गंदगी परसी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उप तहसील नमहोल के स्वास्थ्य केंद्र नमहोल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नमहोल के पीछे की तरफ पड़ी गंदगी की, जिससे कभी भी कोई बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। दिन प्रतिदिन अस्पतालों में स्क्रब टाइफस, निमोनिया तथा डेंगू जैसे खतरनाक मामले दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। फिर भी प्रशासन स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और बीमारियों के फैलने को न्योता दिया जा रहा है। गंदगी फैलने से अब स्कूल प्रशासन व अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि गंदगी की जगह से मात्र अस्पताल 10 मीटर की दूरी पर है तथा स्कूल में बच्चों को परोसा जाने वाली खाने की रसोई भी 10 मीटर पर ही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि स्वच्छता के प्रति कितनी लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व सरकार से आग्रह किया है कि जल्द ही गंदगी को हटाया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। राष्ट्रीय उच्च मार्ग शिमला धर्मशाला 103 पर किस तरह जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करने को बच्चे मजबूर हो रहे हैं और प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। डंगार चौक पर ना ही जेब्रा क्रॉसिंग है और ना ही स्पीड ब्रेकर है तथा ना ही इस चौक पर किसी भी होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों या बच्चों की माने तो उन्होंने बताया कि रोजाना इस चौक से काफी संख्या में स्कूली तथा अन्य लोग गुजरते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। स्कूली बच्चों को तो जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करना पड़ता है तथा इस चौक पर काफी हादसे हो चुके हैं और ये सड़क मार्ग काफी सड़कों को मिलाता है और इस मार्ग से काफी लोग आते जाते रहते हैं। पिछले काफी महीनों से किसी भी जवान की ड्यूटी नहीं लगाई गई। उन्होंने मांग की है कि इस चौक पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग तथा लोहे के बैरिगेट्स पर एक होमगार्ड जवान ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई भी हादसा ना हो सके। पैराथलीट बीरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू ने प्लास्टिक मुक्त भारत को संदेश देने के लिए हिमाचल की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ तक मैराथन शुरू कर दी है। सोमवार को रिज मैदान से शुरू हुई करीब 219 किलोमीटर की इस मैराथन का समापन गांधी जयंती पर पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किया जाएगा। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय शिमला और क्षेत्रीय ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किए जा रहे इस इवेंट में क्रू मेंबर्स पर होने वाले खर्चे के लिए जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले डॉक्टर राम गोपाल राजेंद्र शर्मा, अशोक कंठ, प्रोफेसर रविंदर व विजेंद्र शर्मा आदि समाज सेवियों द्वारा कुछ सहयोग राशि भी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर की 8 पैराथलेटिक प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने के अलावा बीरेंद्र सिंह 3 ओपन मैराथन को भी देश के प्रतिष्ठित धावकों के साथ 23 में पूरा कर चुके हैं। उपमंडल संगड़ाह के गांव लगनू का रहने वाला ये धावक इससे पूर्व गत 14 व 17 मई को क्षेत्र के लुधियाना स्कूल की
14 वर्षीय उर्मिला की किडनी के इलाज के लिए भी 2 चैरिटी रन कर चुका है। पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्ति का संदेश देने के लिए आयोजित होने वाले शिमला से चंडीगढ़ मैराथन उनकी अब तक की सबसे लंबी दौड़ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण को प्लास्टिक कचरा मुक्त किए जाने का मुद्दा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उठाए जाने से प्रभावित होकर उन्होंने इस मैराथन का निर्णय लिया। प्लास्टिक फ्री इंडिया मैराथन में सहयोग के लिए उन्होंने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अपने आयुर्वेदिक विभाग तथा अन्य सहयोगियों का धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह के इस पहले इवेंट के लिए ये दिव्यांग धावक पूरी तरह तैयार कर चुका है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे प्लास्टिक का प्रयोग ना करें।